हाय गाइस, मैं रोज़। तो यहाँ पे मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी या फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, आपको ये जो वीडियो है आपको सुनना ज़्यादा पड़ेगा। आप नोट्स पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि नोट्स तो मैंने अटैच कर दिया है, बट आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने स्कैन करने का भी कोशिश किया, फिर भी कुछ हेल्प नहीं हो रहा था। और नोट्स इतना ज़्यादा है मेरे पास कि मैं इसको अगर टाइप करने बैठी तो 5-6 दिन हो जाएगा। एनीवेज, मैं अगर आप चाहते हो मैं PDF आपके साथ शेयर करूँ, देन आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगी ये वाला। ओके, PDF में शायद समझ में आए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए। ओके, तो मेडिकल सोशियोलॉजी है, जैसे कि सब फील्ड है सोशियोलॉजी का। जैसे कि आपको पता है सोशियोलॉजी के बहुत ज़्यादा सब फील्ड है, पॉलिटिकल, रूरल सोशियोलॉजी, देन अर्बन सोशियोलॉजी। वैसे ही सोशियोलॉजी का एक सब फील्ड है मेडिकल सोशियोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, सोशल डायमेंशन, मतलब जो हम लोग हेल्थ को या फिर इलनेस को या फिर डिजीज़ को एक सोशल डायमेंशन से देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, सोशियोलॉजी में अगर कुछ भी पड़ जाता है तो उसको हमेशा हम लोग सोशल डायमेंशन के थ्रू ही देखते हैं। ओके, ये देखता है सोशल फैक्टर्स है ना, जैसे कि हम लोग सोसाइटी में, जैसे कि सोशल क्लास या फिर जेंडर, रेस, एथनिसिटी, या कैसे इफेक्ट करता है एक इंसान के हेल्थ को या फिर हेल्थ केयर सिस्टम को। ओके, अच्छा, तो सोशियोलॉजी का जो मतलब सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, इसका बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। लाइक अगर हम लोग 19th century के वहाँ देखें तो इसका जो जन्म हुआ था लगभग मिडिल ऑफ 19th century का या फिर लास्ट ऑफ 19th century का हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बताएंगे जिन्होंने सोशियोलॉजी में हेल्थ रिलेटेड या फिर इलनेस रिलेटेड काम किया। तो सबसे पहले ही हम लोग जैसे कि अगस्त कॉम, डर्खेम, मैक्स वेबर, ये लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि हाउ सोशल फैक्टर्स जो है वो कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी को फॉर्म करता है। बट ये इन्होंने कभी हेल्थ एंड मेडिसिन के ऊपर काम नहीं किया, बट हाँ इन्होंने कुछ कुछ ऐसा काम किया है जिसको हम लोग सोशल हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं। बट इन्होंने एज सच कभी शायद अपने वर्क्स में मेडिकल सोशियोलॉजी का कभी, उनको पता ही नहीं था कि सोशियोलॉजी का सब बिल्ट होगा वो मेडिकल सोशियोलॉजी होगा। बट हाँ उन्होंने कुछ कुछ काम किया है जहाँ पे उन्होंने हेल्थ को या फिर इलनेस को या फिर डिजीज़ को के साथ थोड़ा सोशल सोशल डायमेंशन में थोड़ा रिलेट किया है। ओके, सबसे जो पायनियर हम लोग बोलते हैं ऑफ दिस मेडिकल सोशियोलॉजी, जिन्होंने सबसे पहले काम किया था वो मतलब बेसिकली उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ओपनली काम किया था, दैट वाज रॉबर्ट ई पार्क। तो रॉबर्ट ई पार्क, ये वही वाले रॉबर्ट ई पार्क है जो शिकागो स्कूल या फिर अर्बन सोशियोलॉजी का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने 1910 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम है द सिटी। ओके, तो द सिटी में उन्होंने सजेस्ट, मतलब उन्होंने लिखा था कि कैसे एक जो ह्यूमन बिहेवियर है, इंसान का जो बिहेवियर है, वो जैसे सोसाइटी में रहता है, कैसे उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ओके, उन्होंने बेसिकली वर्क किया था हाउ अर्बनाइजेशन इन्फ्लुएंस हेल्थ। अर्बनाइजेशन में कैसा फैक्टर से या कौन से फैक्टर से एक इंसान का हेल्थ इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने बताया था कि अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन जो है, अब अर्बनाइजेशन अगर आपको नहीं पता है, मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर ज़्यादा फैसिलिटीज एक जगह पे हो जाता है, वो जगह एकदम सीमित नहीं रहता है, बहुत एडवांस हो जाता है, उसको अर्बन एरिया या फिर अर्बनाइजेशन हम लोग बोलते हैं। तो अर्बनाइजेशन ने क्या किया था, उन्होंने अपने वर्क पे लिखा है, अर्बनाइजेशन ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था। ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था इंसानों पे। ओके, इंसान के हेल्थ पे, या फिर जैसे कि उन्होंने अपने काम में लिखा था, जैसे कि पॉल्यूशन हो जाए या फिर ओवरक्राउडिंग हो जाए या फिर जैसे कि इंसानों को लैक ऑफ हेल्थ केयर नहीं मिल रहा था ड्यू टू अर्बनाइजेशन। क्या हुआ, लोगों के अंदर मतलब अर्बन एरियाज में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ दिखा गया, बिकॉज क्योंकि अर्बन एरियाज़ में आप देखोगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ओके, इस कारण ओवरक्राउडिंग है, बैड सैनिटेशन प्रॉब्लम है, लोग चौल्स बस्ती में रह रहे, तो बहुत ज़्यादा ये सब इफेक्ट करता है लोगों को। ओके, तो ये एक आप वर्क बोल सकते हो जिन्होंने थोड़ा बहुत सोशियोलॉजिस्ट है रॉबर्ट ई पार्क, जिन्होंने थोड़ा बहुत सोशल डायमेंशन में उन्होंने थोड़ा काम किया था रिगार्डिंग दिस द सिटी में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेबर के बारे में। ओके,
मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं कि वेबर ने एक काम किया था, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उनका एक बहुत फेमस बुक भी है। और यहाँ पे उन बेसिकली इन्होंने इस बुक में थोड़ा सा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी, पर थोड़ा सा इन्होंने इस बुक में कंपेयर किया था कैसे लाइक जहाँ पे रिलीजियन ग्रोथ ज़्यादा है लोग अंडर डेवलप्ड है, एंड जहाँ पे रिलीजन लोग कम फॉलो करते वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये बेसिकली बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मैंने बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, आप ज़्यादा मत जानिए इसके बारे में, मैं आपको वीडियो बना दूँगी कभी, आप जान लेना। एनीवेज तो यहाँ पे उन्होंने बोला था, कंपेयर किया था, कैसे उन्होंने कंपेयर किया था कि वेबर ने कंपेयर किया था जो काम होता है इंसान का और रिलीजन, कैसे एक काम और रिलीजन एक इंसान के हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने बताया था कि रिलीजन जो बिलीव होता है वो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इंसान के हेल्थ के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने ये बोला था कि रिलीजन जो बिलीफ रहता है वो एक इंसान को लाइक बहुत प्रोडक्टिव बनाता है, कि शायद वो सेल्फ डिपेंडेंस हो, हार्ड वर्किंग हो। ओके सब जो चीज़ें हैं कि रिलीजन एक इंसान को बोलता है कि आप हार्ड वर्किंग करो, सेल्फ इंडिपेंडेंस हो, ये कभी कभार इंसान के दिमाग में पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, और वाइल जो बिलीफ रहता है फेटिज्म वो सब एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे आपने देखा कैसे उन्होंने रिलीजन का स्टडी लेके हेल्थ को रिलेट किया, कि जो रिलीजन में सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क ये सब प्रमोट करता है, वो रिलीजन के जो इंसान होते हैं उनका हेल्थ ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, वो ज़्यादा सुस्त रहते हैं। वेयर इज जो रिलीजन होता है जो अपने लोगों को मोटिवेट नहीं करते, उनको लेजी बना देते, वहाँ पे कम इन्फ्लुएंस होता है। उन्होंने थोड़ा सा पोर्शन ये मेंशन किया है, इजेंट अ वेरी ग्रेट वर्क, बट हाँ ये आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप लोग मेडिकल सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ पास्ट पढ़ रहे हो, तो या यू हैव टू नो दिस। 20th century में क्या हुआ जाके सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट फील्ड होने लगा, क्योंकि इंक्रीजिंग क्या हो रहा था, तभी लोग इतने ज़्यादा अर्बन एरिया में आ रहे थे, लोगों को इतना ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इशू हो रहा था, तो मेडिकल हेल्थ एंड मेडिसिन का भी ग्रोथ हो रहा था, तो लोगों में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो इसलिए मेडिकल सोशियोलॉजी भी एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड इमर्ज होने लगा। जैसे कि आपको मैंने जैसे बोला अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, तो पॉलिसी मेकर्स, जनरल पब्लिक, उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ गया, अरे इतना क्या हो रहा है, तो इसलिए सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन एज अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट इमर्ज हुआ। ओके यहाँ पे हम लोग टैलकट पार्सन के बारे में ही पढ़ेंगे। टैलकट पार्सन ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया था मेडिकल सोशियोलॉजी में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज सिक रोल। सिक रोल एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये शायद आपको मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, बट मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप इंट्रोडक्शन में अगर लिखोगे। यहाँ पे उन्होंने बोला था सिक रोल जो है यहाँ पे क्या करता है, सोसाइटी एक इंसान को लेबल कर देता है, क्योंकि ये सिक है उसको उसके साथ अच्छे बिहेवियर करते हैं, या फिर उसको फील कराते हैं कि अरे तू तो सीख है, तू ये नहीं कर पाएगा, और वो इंसान भी खुद में खुद फील करने लगता है, हाँ मैं तो सीख हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो रेस्ट करना चाहिए, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, और लोग भी उनको ना लाइक अरे भाई तू रहने आराम कर, ये सब करने लगते हैं, तो दिस इज अ सिक रोल। यहाँ पे उन्होंने बोला है हेल्थ और इलनेस जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और ये बहुत ज़्यादा शेप्ड है बाय कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स। बोला जो इल होते हैं ना उनको सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो बिहेव करे, मतलब इल दिखाए कि हाँ हम लोग इल है। उन्होंने बताया कि कोई अगर पर्सन इल हो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिकल एडवाइस, टू एडॉप्ट अ डिपेंडेंट रोल, वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, शायद वो अपने फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड पे। ओके अनदर हम लोग किसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एलियट फ्रेंडसन। ओके तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, इनके रोल के ऊपर काम किया था, तो उन्होंने काम किया था कि मेडिसिन जो है वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है ओवर इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड वेलबींग
ओके उन्होंने ये भी बोला था कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है डॉक्टर्स उनके उनके पास बहुत ज़्यादा पावर एंड अथॉरिटी रहता है ओवर देयर पेशेंट क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमी क्योंकि उनके पास एक हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी रहता है तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है ओके क्या हुआ 1960s 1970s में मेडिकल सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा बिकॉज ऑफ सम न्यू मूवमेंट्स जैसे कि वोमेंस मूवमेंट एंड सिविल राइट्स मूवमेंट तो ये सब के कारण ये वोमेन मूवमेंट में क्या होता था जैसे कि ये लोग पॉइंट करते थे हाउ जेंडर इनइक्वलिटी वॉज कितना जेंडर इनइक्वलिटी है मेडिकल प्रोफेशंस में ये सब के कारण भी है सिविल राइट मूवमेंट जहाँ पे लोगों के सिविल राइट पे क्वेश्चंस किए गए या फिर व्हाट द नीड तो ये सब के कारण भी हेल्थ केयर एंड हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा तो इस कारण भी मेडिकल सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट ग्रो किया फिर हम लोग और एक सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे दैट इज इवान इलिच अगर आप चाहे तो इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप सर्च कर सकते हो तो इवान इलिच जो है उन्होंने चैलेंज किया था जो डोमिनेंस रहता है ना मेडिकल प्रोफेशंस का प्रोफेशनल्स का वो उन्होंने चैलेंज किया था और उन्होंने बोला था मेडिकलाइजेशन हैज़ अ नेगेटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जैसे कि मेडिकलाइजेशन क्या है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं हर एक चीज़ पे मेडिसिन पे कुछ भी हुआ तो मेडिसिन तो कि ओवर यूज ऑफ मेडिसिन इंटरवेंशन उन्होंने बोला कि एक पेशेंट को हार्म कर सकता है और कैन इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट ओके उन्होंने बोला था कि मॉडर्न जो मेडिसिन है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है कि कैसे इलनेस को क्योर किया जाए एंड लॉस्ट सिग्निफिकेंस ऑन द हेल्थ प्रोमोशन एंड प्रिवेंशन कि कैसे सुस्त रह पाए कैसे प्रिवेंट कर पाए उसको ध्यान ना दे के कैसे इलनेस को क्योर कर पाए उस पे ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फॉर सोशल इनइक्वलिटीज इन हेल्थ केयर ओके तो ये और भी हम लोग कुछ सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मेडिकल सोशियोलॉजी को डायरेक्ट तो नहीं प्रमोट किया बट हाँ थोड़ा बहुत उनके काम में हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने सोशल डायमेंशन में थोड़ा बहुत काम किया है ओके नाउ यहाँ पे हम लोग एमिली दर्खेम में भी के बारे में भी पढ़े गए एमिली दर्खेम ने भी अपने वर्क सोसाइट में बताया था कि कैसे सोशल इंटीग्रेशन के कारण कुछ लोग कम सोसाइटी से इन्वॉल्व रहते हैं या फिर कुछ लोग कम सोसाइटी में इन्वॉल्व रहते हैं कुछ लोग ज़्यादा रहते हैं उसका कारण भी कैसे एक सोसाइट होता है ओके लाइक हाउ सोसाइट इज उन्होंने बोला था सोसाइट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल थिंग इट्स रादर अ सोशल थिंग क्योंकि जैसे कि उन्होंने चार टाइप का सुसाइड बोला था इगोइस्टिक एलोइस्टिक मुझे और दो का नाम याद नहीं है जो भी हो मतलब जैसे कुछ जैसे कि इगोइस्टिक में उन्होंने बोला था लोग कम इन्वॉल्व रहते ओके सोसाइटी में उन तो लोग कम इन्वॉल्व रहते हैं तो वो ज़्यादा अकेला पड़ जाते हैं वो सोसाइटी के साथ मिल नहीं पाते हैं ज़्यादा मैच नहीं कर पाते इसलिए लोग ज़्यादा सुसाइड करते इकोसिस्टम ऐसे ही उन्होंने बाकी तीन भी बोला था अगर आप चाहते हो तो आप सुसाइड का वीडियो देख सकते हो तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया था सुसाइड विथ सोशल इंटीग्रेशन विल कम टू 1930 एंड 1940 में क्या हुआ था ए ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्कूल शिकागो स्कूल ओके शिकागो स्कूल के बारे में अगर आपको नहीं पता देन इट्स अ स्कूल ऑफ क्या बोलूँ मैं आपको छोड़ो इतना मैं मुझे खुद भी नहीं पता तो इन्होंने स्टडी करना शुरू किया सोशल इकोलॉजी ऑफ हेल्थ के ऊपर जहाँ पे उन्होंने बताया जैसे कि रॉबर्ट ई पार्क के दोस्तों ने ही मिलकर स्टडी किया होगा क्योंकि रॉबर्ट ई पार्क भी शिकागो स्कूल के फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजिस्ट है तो उन्होंने भी जैसे कि स्टडी किया तो उन्होंने भी स्टडी किया हाउ लाइक जो हेल्थ है वो इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल बट इट्स रैदर मोर अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस थिंक हेल्थ हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इंसान के बायोलॉजिकल कारण के वजह से ही लोग बीमार पड़ते हैं बट नो इट्स मोर लाइक अ सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट थिंग ओके जहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया था कैसे एक इंसान के आसपास के एनवायरमेंट या फिर नेबरहुड के कारण भी इंसान बीमार या फिर अनहेल्दी बन सकता है
कैसे गरीबी के कारण, हाउसिंग क्वालिटीज, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सब भी इफेक्ट करता है एक इंसान का। अगर आप देखोगे इंसान जो गरीबी में रहता है वो ज़्यादा इल होता है कंपेयर टू जो एक आलीशान मकान में रहता है, अगर नोटिस करना कभी ना। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि मेडिकल हेल्थ ऑफ सोशियोलॉजी, फिर मेडिकल सोशियोलॉजी वो चीज़ है जो सिर्फ ना फोकस करता है कि बायोलॉजिकल थिंग, इट्स फोकस ऑन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो कि एक हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, इट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट वेरियस मेथड्स, लाइक जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल्स वो कैसे एक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एंड हाउ डज सोशो कल्चरल इफेक्ट द मेडिकल प्रैक्टिस। ओके, या फिर कैसे मेडिकल सोशल जो नॉर्मल सोशल सॉरी सोशल जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है वो हमेशा प्राइमरीली बायोमेडिकल थिंग से ही देखते हैं कि इट्स कम्प्लीटली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इट्स रिलेटेड टू सोसाइटी थिंग। ओके, ये भी वो लोग नोटिस करते हैं मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट। ओके, जैसे कुछ डिजीजेस होता है वो एंटायरली बायोलॉजिकल कॉज के कारण होता है, बिकॉज लाइक कैंसर, वो शायद कैंसर या फिर बड़े बड़े डिजीजेस होता है, बट कुछ कुछ डिजीजेस ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं, जो कि सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बट अ सोशल और अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ ना इस बात का, तो डिप्रेशन का भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है बट इट्स मोर अ साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम। या फिर आप कभी देखोगे पोलियो ज़्यादातर उन बच्चों को होता है जो कि मैल न्यूट्रिशंस में रहते हैं। फिर HIV, AIDS, ये सब भी सोशल प्रॉब्लम्स या फिर मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम, वेजाइना रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे जो लोग थोड़े पॉवर्टी में रहते हैं उनको ये सब मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि एक इंसान का ना लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि अगर वो रिच होता है तो आप देखोगे रिच लोगों को कम हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है कंपेयर टू पोअर पीपल, अगर होता भी है तो वो लोग ज़्यादा फिट कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। ये जो लोग गरीबी में रहते हैं ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, लाइक उन लोगों को प्योर वाटर नहीं मिलता है, वो लोग हेल्दी फूड नहीं खाते, गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं रहता है, जिसके कारण उनका डिजीजेस का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, नाउ आई नो इस पॉइंट पे वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट प्लीज़ कीप वॉचिंग अगर आपको डिटेल में समझना है। मेरे को खुद गर्मी में फ़ैन ऑफ करके बैठी हूँ, बट यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा ही हिस्ट्री है, ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान है, तो कीप हियरिंग। मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या होता है, उससे मेडिकल सोशियोलॉजी से पेशेंट्स का इम्प्रूव होता है। होलसम डिटेल स्टडीज अंडरटेकन इन मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट बाय यूजिंग देयर एनालाइजिंग इंटरप्रेटिव टेक्निक्स। ओके, एंड रिसर्च एंड जो सर्वे भी किया जाता है पेशेंट के ऊपर। ओके, लोगों को एडुकेटेड भी किया जाता है कैसे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इफेक्ट करता है हेल्थ। ओके, यहाँ पे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज्ञान लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ूंगी क्योंकि ये मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, एकदम बहुत ही क्या बोलूँ एकेडमिक चीज़ लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी। मेडिकल सोशियोलॉजी इज जनरली टॉट एज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और इवन हेल्थ स्टडीज। इट इज ऑल्सो कॉम्बाइंड विद मेडिकल एथिक्स और बायोटिक्स फॉर मास्टर डिग्री कोर्स। इट्स प्रेजेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ इज सीन इन दोज ब्रांचेस ऑफ मेडिकल स्टडीज रिलेटेड टू द कम्युनिटी ऑफ सोशल मेडिसिन एंड लिटर्ड इन जनरल प्रैक्टिस एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग इन सोशल फैक्टर्स और कॉज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इट हेल्प्स इन शेपिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू फील्ड्स ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च, मेडिकल इकोनॉमिक्स, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल epidemiology, demography, ecology. There are opportunities for those who want to practice this discipline. They can take a degree in sociology and continue to focus on the area of medicine and healthcare. They can acquire knowledge about complex processes in which social issues affect the health of people living in a particular society. They can study the already existing data about those effects, offer additional information to them or how the social issues can be solved and
एरा जी टिकेटेड। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, मतलब यहाँ पे बेसिकली मेडिकल सोशियोलॉजी के जो पढ़ना चाहते हैं या फिर व्हाट्स द यूज़ ऑफ मेडिकल सोशल, यूज़ तो नहीं, जो लोग फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं मेडिकल सोशियोलॉजी क्या कर सकते हैं, मेडिकल सोशियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट एंड कैन इवन गो टू डेवलप एनालाइज पॉलिटिकल वर्क एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो ये अगर आप मेडिकल सोशियोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हो तब ये सब फ्यूचर में आप स्कोप रख सकते हो। ओके, तो मेडिकल सोशियोलॉजी से उनके नॉलेज भी अप्लाई कर सकते हैं अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट टू फैसिलिट एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट एंड प्रोसेस ऑफ केयर। मतलब मेडिकल सोशियोलॉजी जिसका नॉलेज है वो बेसिकली क्या करता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी एज अ होल के ऊपर काम करता है। ओके, एंड COVID-19 के कारण भी लोग बहुत ज़्यादा फोकस हेल्थ केयर पे आ गया है, तो या मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट कॉन्सर्न रहते हैं कि कैसे हेल्थ को एड्रेस किया जाए, पीपल के वेल्थ बींग, कैसे डिजीजेज एंड मेडिकल सर्विसेज को बेटर बनाया जाए। सिर्फ वो नहीं, वो लोग कैसे इंसान हेल्दी रह सके या फिर फिजिकल एंड मेंटल सोशल एस्पेक्ट को भी स्टडी करते हैं। ओके, नाउ हम लोग व्यू पॉइंट ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। तो मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, कि जो कोई डिजीज स्प्रेड हो रहा है वो डिफरेंट ग्रुप्स में द सोसाइटी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पॉपुलेशन पे, वो देखना या फिर ये देखना कि एक इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है इलनेस में एंड हाउ देयर सोसाइटी और कल्चर ग्रुप वो किस नज़र से देखते हैं। ये समझाता है कि हाउ सोसाइटी डायलेक्ट्स इलनेस ट्रीटमेंट मेथड्स। ये भी समझाता है कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को इलनेस को क्योर करने। यहाँ पे हम लोग कुछ पर्सपेक्टिव देख लेंगे, यहाँ पे फंक्शनल पर्सपेक्टिव है एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग मानते हैं अगर कोई अनवेल रहता है, वो अपना सोसाइटी में जो ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये एक अनमोटिवेशनल डिविएशन होता है। लोग मानते हैं कि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंड ऑपरेटिंग ऑफ द सोसाइटी। ओके, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव दो लेवल से डिफाइन करता है। एट फर्स्ट लेवल वो लोग बोलते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उससे हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड रहता है। इंडस्ट्रियल इलनेस, एक्सीडेंट्स, स्ट्रेस रिलेटेड सिकनेस और इनडायरेक्टली गुड प्रोडक्शन में, मॉडर्न लाइफ में जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिज्म के कारण हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इशूज़ फेस करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो लोग काम करते हैं वहाँ पर। और सेकेंड पॉइंट वो लोग बोलते हैं कि ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर वेल्थ, उसके कारण भी हेल्थ होता है। कि अगर आप देखोगे तो गरीब लोगों में पैसा कम है तो उन लोगों में हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है। ओके, तो गाइस ये वीडियो मैं यहाँ तक ही रख रही हूँ। तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि कैसे मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट का ग्रोथ हुआ और क्या पर्सपेक्टिव है, किन सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया है, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। आई नो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके बाद मैं प्रॉपर नोट्स के साथ वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।